हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस तरह की फोटो अपनी एडिट कर सकते हो। सो गाइस, जो आपको स्क्रीन में फोटो दिख रही है, इसका जो बैकग्राउंड आपको एकदम ब्राउन दिख रहा है, ठीक है, फोटो काफ़ी कूल दिख रही है, ठीक है, और फोटो में कुछ आपको PNG दिख रही है, जिससे फोटो और भी अमेजिंग दिख रही है। तो गाइज, अगर आप भी इस तरह की फोटो अपने एडिट करना चाहते हो, तो गाइज आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना हो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कैसे आप आसानी से इस तरह की फोटो एडिट कर सकते हो। सो गाइज, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। सो या गाइज, विदाउट एनी वेस्ट मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ऑलराइट, सो गाइज, यहाँ पे ना लाइटरूम की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, ठीक है। तो लाइटरूम की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑल फोटोज़ में आपको अपनी खुद की फोटो को ऐड करना है, जिसे आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो ऐड कर ली यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इस ऑटो वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। इससे क्या, फोटो में जो कलर होंगे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑटो वाले ऑप्शन क्लिक करिए, उसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कलर का, क्लिक करना है इस कलर वाले ऑप्शन पे। एंड यहाँ से आपको वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो वाइब्रेंस में इंक्रीज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैंने वाइब्रेंस इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना पर इस मिक्स वाले ऑप्शन पे गाइस, ठीक है। एंड यहाँ से आपको क्या करना है, इस सेकंड कलर पे क्लिक करना है, इस ऑरेंज पे, ठीक है। एंड इसका सैचुरेशन हल्का सा माइनस करना है आपको, एंड लुमिनस को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है इस ग्रीन कलर पर, ठीक है, ग्रीन पर क्लिक करना है एंड इसका ह्यू माइनस करना है, ठीक है, एंड सैचुरेशन को प्लस करना है, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है इस येलो कलर पे, ठीक है, एंड इसका ह्यू माइनस करना है एंड सैचुरेशन को प्लस करना है, ठीक है, जिसके बैकग्राउंड एकदम येलो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड येलो हो चुका है, तो ग्रीन पे क्लिक करके बैकग्राउंड थोड़ा और येलो कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बैकग्राउंड एकदम येलो हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड येलो कर लेना है, ठीक है, ग्रीन और येलो को यूज़ करने के बाद। तो यहाँ पर बैकग्राउंड येलो कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पर इस ब्लू कलर पर, ठीक है, एंड इसका ह्यू माइनस करना है इस तरीके से एंड सैचुरेशन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और ल्यूमिनस को थोड़ा माइनस कर लीजिए हल्का सा इस तरीके से। एंड उसके बाद सिंपली आपको डन करना है, ठीक है। डन करने के बाद यहाँ पे एक स्टेप और है, वो स्टेप ये कि सबसे पहले इस फोटो को सेव करना है आपको, ठीक है। तो फोटो सेव करेंगे, सबसे पहले सेव टू डिवाइस करेंगे, सेव करके, ठीक है, सेव टू डिवाइस कर लिया मैंने फोटो। तो गाइस, फोटो मैंने सेव टू डिवाइस यानी सेव कर लिया इस गैलरी में। उसके बाद सिंपली आपको इस फोटो को डिलीट करना है लाइटरूम की ऐप से, ठीक है। तो फोटो को टैप करेंगे एंड यहाँ से डिलीट कर देंगे इसको। फोटो को डिलीट करने के बाद आपको फोटो को फिर से ऐड करना है, ठीक है। तो प्लस वाला आइकन क्लिक करके फोटो फिर से ऐड कर ले, उस फोटो को ऐड कर लेगा, ठीक है, जो अभी हमने डिलीट कर दी। फोटो ओपन करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। फोटो को यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चाहिए एक लाइट में प्रीसेट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम प्रीसेट को ऐड करेंगे, तो प्लस वाला आइकन क्लिक कर लेगा, ठीक है, एंड इस प्रीसेट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ये प्रीसेट यहाँ पर आ चुका है ऑल फोटो। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते प्रीसेट आ चुका है स्क्रीन में गाइस, और इस प्रीसेट की सेटिंग कॉपी करेंगे। सबसे पहले जीरो पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉपी सेटिंग टिक करेंगे एंड बैक पे जाएंगे, ठीक है, एंड उसके बाद अपनी फोटो लेंगे इस तरीके से एंड थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट सेटिंग। और गाइस, यहाँ पे देख सकते फोटो में एकदम ब्राउन टोन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कुछ PNG ऐड करनी है, जिससे फोटो और भी अमेजिंग दिखे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस फोटो को सेव करना है। सेव करने के बाद इस फोटो को लेकर जाना है PicsArt की ऐप के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं अपने PicsArt की ऐप के अंदर। सो गाइज, यहाँ पर देख लीजिए मैं PicsArt की ऐप के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, और मैंने उस फोटो को भी ऐड कर लिया जो अभी हमने लाइटरूम से एडिट करी थी। उसके बाद हमें जाना है अपने नीचे इस ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे, ठीक है, एंड यहाँ से हमें कुछ PNG ऐड करनी है इस फोटो में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं इन दो PNG को लूँगा, इस फ्लावर वालों को और इस वाले PNG को, ठीक है। तो मैंने दोनों PNG ले ली, फ्लावर वाली और इस फीलिंग्स वाली, ठीक है। तो इन दोनों PNG को आपको कैसे ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड करें फ्लावर वाले PNG को ऐड करेंगे फोटो में, ठीक है। तो उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फ्लावर वाले PNG को बड़ा करना है इस तरीके से, जूम करना है उसको, ठीक है, एंड नीचे की तरफ से इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस वाले PNG को लेना है, ठीक है, और इसका क्या करना है, इसका ब्लेंड मोड ऑन करना है। तो स्क्रॉल करना है साइड में एंड यहाँ पर इसको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो नीचे ब्लेंड का ऑप्शन क्लिक करेंगे एंड इसको स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद ये स्क्रीन में आ जाएगा सीरीज, ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद टिक कर देंगे, ठीक है। टिक करने के बाद गाइस फोटो देखिए काफ़ी अमेजिंग बन चुकी है, ठीक है, और पहले कैसे फोटो थी आप स्क्रीन में देख सकते हो, अब फोटो कैसे बन चुकी है। तो गाइस, ये फोटो एडिटिंग काफ़ी क्रिएटिव है, डेफिनेटली ट्राई करना है सही फोटो एडिटिंग का, ठीक है, और
जो भी मैंने प्रीसेट पीएनजी यूज़ कर रखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आसानी से गाइस, ठीक है। और आप भी अपनी फोटो को सेम एज इट इज़ एडिट कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। एंड गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं होता तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगली एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद निक टेक्निकल।